मसाला किचन में बन रहा है क्रिस्पी सा हेल्दी सा एक ऐसा नाश्ता जिसे अक्सर हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं या स्ट्रीट पे जाकर खाते हैं और चटकारे ले लेकर खाते हैं। आज ऐसा नाश्ता बनाएंगे किससे? वो भी बची हुई रोटी से। अक्सर जब रोटी बच जाती है तो समझ नहीं आता उसका क्या यूज किया जाए। आज उसका जो यूज किया है वो आपको बेहद पसंद आने वाला है। रोटी जब भी बच जाए इस तरीके का कोई ऐसा नाश्ता बनाइए कि सभी लोग मांग मांग कर खाएं, सभी कहें काश रोटी रोज बचाया करो। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। ये दो रोटियां तो मेरे पास हैं जिसे मैं तवे पर थोड़ा सेक कर इसे कड़क कर लेती हूँ। दो प्याज लिए जिसे मैं बारीक कट कर लेती हूँ, लहसुन लिया, अदरक लिया, 3-4 हरी मिर्चें ले लीजिए, हरा धनिया ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, जो आपके मन में आए वो लीजिए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं पूरी तरीके से इसे स्किप कर सकते हैं। 100 ग्राम यहाँ पर लिए मैंने सोया बड़ी, जिसमें थोड़ी पतली भी हैं जो बारीक चूरे की तरह होती है और मोटी भी। मेरे पास दोनों थी, मैंने दोनों को भिगा दिया था 5-7 मिनट पहले। अब इस सोया बड़ी को आप 5 मिनट भिगाने के बाद इसे उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट और उबाल लीजिए। उबलने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दीजिए और एक स्ट्रेनर में से रख दीजिए। इधर मैंने एक मिक्सी के जार में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और नींबू का रस डालकर इसकी चटनी बना ली है। मैंने कम से कम पानी डाला है, इसी में ही इसको पीस लिया है। अब इस चटनी को हम निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। इसी मिक्सी के जार में जो छनी हुई हमारे पास सोया है उसको मैं निकाल कर इसमें पीस रही हूँ। पानी को जितना हो सके स्क्वीज कीजिए जिससे हमें बाइंडिंग के लिए ज़्यादा कुछ न डालना पड़े। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इस सोया को जब मैं पीस रही हूँ तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने क्या किया, पानी न डाल के वही हरी चटनी को सोया के अंदर डाल दिया। सारी चीज़ें जब पिस गई हैं, रोटियाँ भी कड़क हो गई हैं, तो अब रोटियों को भी हम पीस लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे जार में इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा सा पाउडर बन गया, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं। अगर आप रोटियाँ नहीं डालना चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, पर यकीन मानिए रोटियों का जो टेस्ट आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा। अब बोल के अंदर सारा सोया चला गया, सारी चटनी चली गई, रोटी का मिश्रण चला गया, अब डालने की बारी आई है इसमें क्या डालें। 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच भर के मैंने डाला इसमें आमचूर पाउडर। अब सारी चीजों को मिक्स कर दीजिए। अब इसमें 2 चम्मच डाल रही हूं मैं कॉर्नफ्लोर। तो देखा आपने, इस नाश्ते को देखकर लग रहा है कि हमने बची हुई रोटी यूज की है, बहुत ही अमेजिंग। और बची हुई रोटी ना हो तो आप पका कर भी उसे कड़क करके भी डालिए, ऐसा करने से कड़क बहुत बनेंगे, टेस्टी बहुत बनेंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद 1 छोटा चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए ऑयल। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। आप कोई सीख ले लीजिए या कोई घर में पेंसिल ले लीजिए, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा सा मिश्रण उठा के उस पेंसिल पर इस तरीके से लगाइए जैसे कबाब लगाते हैं। आप बना सकते हैं कोई टिक्की का शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मार्केट में इस तरीके से मिलती है इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। आपको यही लगेगा कि इसको कोई और भी तो शेप दिया जा सकता है, यही शेप क्यों दिया जाता है। बिल्कुल सही, आप इसे कोई भी शेप में देकर बना सकते हैं, क्योंकि सोया अंदर तक पके यही एक कारण है जिसकी वजह से इसे ये शेप दिया जाता है। इस पूरे मिश्रण से हमने कितने ये रोल बनाए, मैंने करीब करीब 18 से 20 रोल बनाए। तो फ्राई करने के लिए हमें मीडियम फ्लेम गरम करनी होगी, मतलब बहुत धुआंदार ऑयल गरम नहीं चाहिए लेकिन ठंडा भी नहीं चाहिए। ये गोल्डन हो जाए तब तक आप फ्राई कीजिए और ज़्यादा शुरू में ना चलाएं जिससे वो टूटे ना।
इस नाश्ते में बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत ही हेल्दी है और आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा चेंज भी कर सकते हो। कुछ अगर आपको प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना तो आप वैसा बना सकते हो, लहसुन प्याज खाना है तो वैसा बना सकते हो। एक सबसे बढ़िया बात, इसे बनाकर आप फ्रोजन कर सकते हो, जब मन करे आप इसे निकालें, बेक करें, शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। प्याज के लच्छे, हरी चटनी, नींबू और हरी मिर्चों के साथ, जैसा कि आपको मार्केट में मिलता है, मेयोनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। करीब करीब 150 या 200 रुपीस के 6 पीस मिलते हैं, जो कि हमें पूरे 20 पीस जरा से मेहनत में हमारे बढ़िया सी 3 प्लेटें तैयार हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।